हेलो फ्रेंड, वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, आपका हमारा प्यारा TNPL लौट चुका है वापस 2018 में। और अभी फ्रेंड्स, मैं इसकी टीम बना रहा था, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि लास्ट सीज़न ही अभी है, अभी मतलब वो सीज़न एंड नहीं हुआ है, मतलब अभी तक इतनी यादें इसकी ताज़ा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पूरी टीम्स बताऊँ उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आप लोग भी सर्च कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, इस बार में कुछ खास चीज़ें हैं। इस बार हनुमान विहारी, अर्पित वासंदा जैसे प्लेयर्स को शामिल किया। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आंध्रा के नहीं है, बोले तो तमिलनाडु के नहीं है, बाहर के स्टेट के, इनको शामिल किया गया था। बट अब इनके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो अदर स्टेट के प्लेयर्स हैं इनको शामिल किया गया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपनी जो टीम है डिंडीगुल ड्रैगन्स, इसमें भी दो प्लेयर थे, अतीत सेठ एंड उन्मुख चंद, आप वो जानते होंगे उन्मुख चंद को। और जो रूबी ट्रची वारिस है उसके अंदर अर्पित वसंदा एंड हनुमान विहारी दो प्लेयर्स थे। ठीक है, तो इनको भी शामिल किया गया था इस बार। तो यहाँ पे अब मतलब मैक्सिमम दो प्लेयर्स को ये लोग खेला सकते थे, ऐसा मतलब इन्होंने रूल निकाला जो कि अदर स्टेट के हैं आंध्रा से। बट अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप लोग देख सकते हो इसको, क्रिक बुज पे चेक भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, वो न्यूज़ जो है वो ये इस प्रकार है कि अदर स्टेट प्लेयर्स इंक्लूड इन द ड्राफ्ट। ये तो आप लोगों ने ड्राफ्ट देख लिया। अभी जो न्यूज़ आ रही है आप लोगों को बता दूँ, क्रिक बुज की न्यूज़ है, बिल्कुल सही न्यूज़ है। COA ब्लॉक्स आउट एंड आउट स्टेशन प्लेयर पार्टिसिपेशन इन TNPL, मतलब कि जो क्रिकेट ऑफ आंध्रा है बोर्ड, उन्होंने जो बाहर आउट आउट स्टेशन के प्लेयर हैं उनको खेलने से मना कर दिया। देयर विल बी नो आउट स्टेशन प्लेयर इन द थर्ड एडिशन ऑफ तमिलनाडु प्रीमियर लीग आफ्टर ऑल द CO इन्फॉर्मेशन, आप लोग पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, तो मतलब इन्होंने मना कर दिया कि बाहर के प्लेयर नहीं खेल सकते। ठीक है, वो अपनी स्टेट से खेलें। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी आउट स्टेशन के जो दूसरे स्टेट के प्लेयर हैं वो नहीं खेलेंगे। ठीक है, और बाकी डिंडीगुल ड्रैगन्स है जो अब की बार का स्ट्रॉन्ग टीम है, इनके पास रविचंद्रन अश्विन है और एन जगदीश आनंद है, और रूबी ट्रची वारियर्स ने भी अब की बार अच्छे प्लेयर्स ले लिए हैं, मुरली विजय इनके पास, और भी काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को टीम दे रहा हूँ। और सबसे पहले एक अपडेट दे दूँ आपको, इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है ये मैच जो है 11 जुलाई को, अभी इसमें टाइम बाकी है एक दो दिन। आप लोगों को ट्विटर पे इस पर फॉलो कर बोल रहा हूँ, अगर मैं टीम दे रहा हूँ कुछ न्यूज़ आ जाए इस बीच में तो आप लोगों को अपडेट दे दूँ मैं टीम की, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। अभी ये 100% मैं बढ़िया टीम दूँगा, आप लोग इसे ज़रूर विन कर जाओगे। जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो लोग लगा लेना, इस माल में आप लोग 100% विन कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टीम की बात करते हैं डायरेक्ट, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विकेट कीपर में जो है मैं एन जगदीश आनंद के साथ जाऊँगा। ठीक है, बिकॉज इसका दो कारण है, एक तो एन जगदीश आनंद जो है वो ओपनर है और अच्छा प्लेयर है। ठीक है, अभी बार चेन्नई में भी इसको लिया गया था, चांस नहीं मिला। सेकंड जो है के मनु भारती जो है उसका अभी तक पता भी नहीं है, क्योंकि रूबी ने अभी बार काफ़ी नए प्लेयर लिए हैं, तो मे भी जो है वो ये जो है इस इन उनमें भी कोई विकेट कीपर हो सकता है, तो पता नहीं कौन क्या लगा। ठीक है, तो इसलिए विकेट कीपर में हमारे पास एन जगदीश आनंद होगा। एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग जब ये टीम बनाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें पॉइंट्स का काफ़ी लपड़ा हो रहा है, काफ़ी पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, तो मैंने काफ़ी एडजस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे बैट्समैन मैं जो मुरली विजय को ले रहा हूँ, हनुमान विहारी हमें नहीं लेना। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया, मुरली विजय ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो है बी अनिरुद्ध सीताराम ले रहा हूँ, ओपनर है ये, बाबा इंद्रजीत ले रहा हूँ, बाबा अपराजित के भाई हैं और रूबी ट्रची वारियर्स के कैप्टन हैं। ठीक है, एंड भारत शंकर ले रहा हूँ, आर विवेक ले रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आर विवेक को इस बार रिटेन किया है डिंडीगुल ड्रैगन्स ने। ये जो बंदा है ये आपके लिए क्या बोलते हैं इसको, सबसे मतलब वो टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपकी टीम में, बिकॉज इस बंदे को मैक्सिमम लोग नहीं लेंगे। ये वो बंदा जो अपने दम पे मैच चेंज कर देता है, इतना हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ठीक है, तो ये हमने 5 बैट्समैन लिए, आप लोग चाहो तो एन चतुर्वेद को भी ले सकते हो बाबा इंद्रजीत की जगह पे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास 5 बैट्समैन हो गए। ऑलराउंड में रविचंद्र अश्विन को लूँगा जो कि कैप्टन है अपने डिंडीगुल ड्रैगन्स के, ये हाफ सीजन खेलेंगे, इसके बाद में जो है वो
वापस चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मे भी जो है वो जगदीश आनंद जो है इनके कैप्टन होंगे, ठीक है, इंग्लैंड चले जाएंगे टेस्ट खेलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं जो है वो गणपति चंद्रशेखर को ले रहा हूँ। आप लोगों ने अगर लास्ट TNPL देखा तो आपको पता है काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, ठीक है। ये और आर राजकुमार आप लोगों ने दोनों साथ में खेलते थे, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप लोग चाहो तो उनको भी ले सकते हो अगर पॉइंट हो तो, जैसे कि ये लक्ष्मी नारायण विघ्नेश एंड सुरेश कुमार, ये दोनों अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। बॉलिंग में आप फ्रेंड मैं बता दूं मेरे को पॉइंट्स नहीं बच रहे हैं, इसलिए मैं अच्छे बॉल्स नहीं ले पाई, आप लोगों को भी नहीं बचेंगे। अगर आप लोग चाहो तो अश्विन को अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप लोगों को अच्छे बॉलर में बता दूं, ये मोहम्मद शानदार बॉलर है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी है। अश्विन क्रिस्ट मेरा फेवरेट है, अगर ये खेलेगा बंदा तो काफ़ी अच्छा बॉलर है, ये अच्छी चॉइस है, ठीक है। जे कौशिक भी अच्छी चॉइस है, सोनू यादव भी अच्छी चॉइस है, ये लगभग खेलने वाला है, ठीक है। बट मैंने जो है MS संजय को लिया, एक तो ये भी खेलेगा लगभग। आर रोहित भी अच्छी चॉइस है, आप लोग चाहो तो इसको भी ले सकते हो, ये भी अच्छा प्लेयर है। लास्ट सीजन तो इसका पॉइंट भी मतलब 9.5 का था, आपकी बार 8.5 का हो गया, ठीक है। कानन विघ्नेश दूसरा सेकेंड बॉलर ले रहा हूँ, तीसरे मैं अभिनव ले रहा हूँ। ये मैं एक तो इसका लेने का कारण ये कि मेरे पास पॉइंट नहीं बचे ज़्यादा तो ले रहा हूँ, सेकेंड दूसरा जो ये बंदा लेग स्पिनर है और हाल ही में इसने आंध्रा के लिए काफ़ी अच्छा किया था। अभी एक मैच याद आ रहा है मेरे को, उसमें इसने 6 विकेट लिए थे। आप लोगों को इस पर रिस्क ले सकते हो, अश्विन मेरे के हिसाब से खेलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टीम फर्स्ट मैच की, आप लोग अच्छे से देख लो एक बार। हमारे पास जो है वो मुरली विजय, भरत शंकर, बाबा इंद्रजीत हैं, गणपति चंद्रशेखर है रूबी की तरफ से, इनके ओपनर जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे भारत शंकर और मुरली विजय होंगे, इसके बाद बाबा इंद्रजीत आएंगे और भी काफ़ी प्लेयर है, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे डिंडीगुल ड्रैगन्स की, तो इनके ओपनर जो मेरे हिसाब से जगदीश आनंद एंड बी अनिरुद्ध सीताराम होंगे, आर विवेक अश्विन फिर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन की फ्रेंड्स। तो कैप्टन जो है मैंने जो है वो यहाँ पे रवि अश्विन को बनाया, वाइस कैप्टन में जगदीश आनंद को बना रहा हूँ। अब मैं इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, अश्विन का परफॉर्मेंस जो है TNPL में काफ़ी शानदार है, आपको बता दूँ। इनमें मेरे को एक मैच याद आ रहा है, इसमें बैटिंग में अश्विन ने मैच वो चेंज कर दिया ऑलमोस्ट, हालांकि वो हार गए थे मैच, बट लगभग 15-16 गेंदों में अश्विन ने 50 के समथिंग अराउंड रन मारे थे, 45-46, और शानदार बैटिंग की थी। आप लोग अश्विन को ज़रूर कैप्टन बनाना, ये 4 ओवर डालेंगे बट मेरे हिसाब से बैटिंग भी ऊपर करेंगे, 3 या 4 या 5 पे आएंगे, ठीक है। और वाइस कैप्टन में जगदीश आनंद के साथ जा रहा हूँ, बिकॉज दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन मेरे को मिल नहीं रहा है। वो कीपर होंगे तो कम से कम विकेट कीपिंग से तो पॉइंट देंगे। आप लोग चाहो तो जी चंद्रशेखर को बना सकते हो, मुरली विजय को बना सकते हो, और अगर कुछ न्यूज़ आएगी मेरे पास बड़े प्लेयर के नहीं खेलने की, मैं ट्विटर पे बताऊंगा, आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना, मेरे को फॉलो कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये हमारी टीम है फ्रेंड फर्स्ट मैच की, आप लोगों को बता दूँ, आप लोग इस टीम के साथ जाना, आप लोग जो है 100% विन कर जाओगे इस मोहन लीग, ठीक है। और यहाँ पर मैं चीज़ आप लोगों को बता दूँ, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिए थे, आप लोग उन ऑप्शन का ध्यान रखना। आपको जो है हनुमान विहारी नहीं लेना है, सेकंड आपको जो है वो अर्पित वासंता नहीं लेना है, और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ अलग चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो अलग टीम्स, तो मैं जो प्लेयर खेलेंगे इसमें वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से लक्ष्मी नारायण विघ्नेश खेलेगा एंड सुरेश कुमार के भी पूरे चांस है। बॉलिंग में मैं आपको बता दूँ जो 100% खेलने के मतलब चांस है उनके, एम मोहम्मद खेलेगा, अश्विन क्रिस्ट खेलेगा, ये बंदा कौन है अभी मेरे को पता नहीं, इसके बारे में देखना पड़ेगा, पॉइंट जिसका 9 है, ठीक है। और जो यहाँ पे जगन्नाथन कोचिन खेलेगा, रोहित के भी पूरे चांस है, सोनू यादव के चांस है, डिट्टी चंद्रशेखर भी अच्छा प्लेयर है बट अभी बार पता नहीं इसको खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और एम लक्ष्मी नारायण भी अच्छा ऑलराउंडर है बट इसको भी अभी फर्स्ट मैच में नहीं बोल सकते। यहाँ पे बैटिंग में जो आप लोगों को बता दूँ, एन चतुर्वेद मेरे हिसाब से खेल सकता है, ठीक है। आप लोग अगर इन पे रिस्क लेना चाहते हैं तो एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सॉरी सत्यमूर्ति सर्वानंद ये भी खेलेगा, बंदा अच्छा प्लेयर है, लास्ट ईयर फाइनल में इसने एक अच्छी इनिंग खेली थी, हालांकि मैच हार गया बट इन्होंने 14-15 गेंदों में 35-36 रन, आप लोग इसको भी ले सकते हो। इसके अलावा तो मेरे को और कोई अच्छा प्लेयर इसमें नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना ऑप्शन, कैप्टन आप लोग अश्विन के साथ ही जाना, बाकी वाइस कैप्टन में आप लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप लोग चाहो तो मुरली विजय को बना सकते हो, आप लोग चाहो बी अनुरु सीताराम को बना सकते हो, आप लोग चाहो जी चंद्रशेखर को बना सकते हो, अगर बैटिंग मिलेगी इसका पेचा प्लेयर है, ठीक है।
और तो ये हमारी टीम हो गई, कैप्टन आपको वाइस कैप्टन नहीं रखना है, सेम टीम के साथ जाना है आप लोगों को। इसमें लेब आप लोग जरूर विन कर जाओगे। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं TNPL के आपको हर मैच की टीम दूंगा मेरे हिसाब से। अगर कभी दो मैच होता है तो मैं आप जो बेस्ट मैच होगा उसकी दूंगा आप लोगों को, जो बेस्ट मैच मेरे को लगेगा उसकी मैं आप लोगों को टीम दे दूंगा, आप लोग उसमें जीत जाओगे। आप लोग मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। धन्यवाद।